अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में आप सबका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा और मीठे में बनाने जा रहे हैं खीर। तो आज मीठे का दिल भी चाह रहा था तो मैंने कहा चलें, इतने दिनों से रेसिपी भी नहीं थी तो मैंने कहा आप लोगों से रेसिपी जो है वो शेयर भी करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चले मेरे साथ, आपको दिखाते हैं। तो जनाब, हमने जो है दूध इस वक्त 2 किलो हमने पतीली में चढ़ा दी है और ये तकरीबन हम इसको बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको धीमी आंच पर रख के पकाएंगे। तो देखते हैं, वेट करते हैं हम भी। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि बॉयल इस वक्त आ गया है और अब हम इसको धीमी आंच पर जो है रख के पकाएंगे तकरीबन 2 घंटे। तो जनाब, इस वक्त तकरीबन हमने आधे घंटे के बाद इस दूध को हमने चढ़ाया और उसके बाद इस पोजीशन पे तकरीबन 4 से 5 अदद जो है वो सब्जी इलायची वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो जनाब, अब हमने इसमें इलायची ऐड कर दी। अब हम इसको मजीद जो है इतना पकाएंगे कि ये जो है पिंक हो जाए। तो अब इसको पकने देते हैं, तो आप भी इंतजार करें। तो जनाब, अब हम इसको दोबारा चला रहे हैं तकरीबन आधे घंटे के बाद मजीद, और इसको हर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद इसको चला के जरूर चेक करिएगा कि कहीं दूध लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अमूमन जो है दूध लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके लगने की वजह ये होती है कि दूध में अगर पाउडर मिक्स हो तो फिर ये ऐसा होता है कि वो दूध लगता है। तो कोशिश करें कि हर आधे घंटे बाद 15 मिनट के बाद आगे इसको एक दफा चला लें और उसके बाद फिर ढक के रख दें। तो ये वो टिप्स है जो अमूमन लोगों को नहीं पता होती, तो इसका ख्याल लाजमी रखिएगा। तो चले इसको मजीद पकड़े देते हैं, फिर आते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जनाब, भीगे हुए जो चावल थे हमारे, हमने 6 टेबल स्पून जो है हमने चावल लिया है जिसको हमने तकरीबन 3 घंटा पहले जो निकाल के रख दिया था। तो अब हम इसको पीसते हैं। तो जनाब, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको किसी बोल के अंदर निकाल लेते हैं। दो घंटे के बाद हमने आके इसको जब चेक किया तो देखिए कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है इसका, और बेहतरीन कलर। और अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था कि हमने 2 किलो दूध तो लिया था लेकिन उसमें हमने तकरीबन 1 पाव जो है वो पानी ऐड किया था और फिर हमने उसको इतना पकाना है कि जो 1 पाव जो पानी है वो उसमें खप जाए। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि पानी भी इसका कम हो चुका है और दूध जो है सब बेहतरीन कलर दे रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इस पोजीशन पे हम जो चावल हमने पीसा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब, इस वक्त हमने चावल ऐड कर दिया लेकिन अब जो है नॉन स्टॉप आपने इसको मुस्तकिल चलाना है क्योंकि चावल जो है वो बैठेगा तो लगेगा, तो जलने का डर होता है, तो जिसकी वजह से आपके जो खीर है उसमें जो स्मेल आएगी जलने की। तो अब ये है कि चावल जब तक आपके खीर को चलाना है जब तक के चावल आपका पूरा अच्छे से पक नहीं जाता। तो जनाब, 15 मिनट से मुस्तकिल मैं इस वक्त जो है चमचा चला रहा हूँ और आपने भी चलाते रहना है क्योंकि इसको रोकना नहीं है, क्योंकि अगर रोकेंगे तो लगेगा क्योंकि अब चावल इसमें आप ऐड कर चुके हैं। तो चूंकि चावल बैठता है तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हाथ जो है मुस्तकिल चलाते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे जब। तो तकरीबन हमें आधी घंटा हो गया इस वक्त चलाते हुए और आपने उसको चेक भी करते रहना है कि जब चावल जो है अच्छे से गल जाए, अच्छे से हो जाए। तो चल देखते हैं। तो जनाब, आप इस पोजिशन पर देख सकते हैं कि चावल जो हमारा हो चुका है और अब इस पोजीशन पर हम जो है चीनी डालेंगे। तो हमने 6 टेबल स्पून जो है वो हमने यहाँ पर लिया था चावल और 12 टेबल स्पून जो है हम यहाँ पे चीनी लेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये पूरा प्रोसेस जो है वो मीडियम फ्लेम पर था क्योंकि अभी चीनी भी जो है वो इसमें मेल्ट होगी।
चलाते रहना बस आपने मुस्तकिल उसको। तो जनाब तकरीबन मुस्तकिल चीनी चलाने के बाद भी इसको हमने पकाते रहे, देख सकते हैं इसका गाढ़ापन। इसको चेक करने का तरीका भी ये है कि आप किसी भी प्लेट में या उसमें इसको निकालें और उसको थोड़ी देर के लिए रोकें और फिर उसके बाद मूव करें। इट्स मीन कि ये अब इस उस पर बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जनाब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो जनाब हमने इसको डिश आउट कर लिया, अब इसको हम ठंडा करते हैं और उसके बाद यही कि हम इसको चांदी का वर्क और जो बादाम और पिस्ते जो हमने काटे हैं जब हम उसको गार्निश करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो जनाब जैसा कि आपसे कहा था कि जैसी खीर ठंडी हो जाएगी तो हम उस पर चांदी का वर्क और पिस्ता बादाम जो हम लेके आए थे हम वो लगाएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, चांदी का वर्क लगाते हैं और अब इसके ऊपर हम पिस्ता बादाम जो है हमने काटा हुआ था वो हम इसके ऊपर तो जनाब हमारी खीर तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बन गई खीर, कितनी आसान थी और बेहतरीन बनी है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि बेहतरीन बनी है? अरे भाई जल्दी से जाएं घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन तो प्रेस लाजमी कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।